गुड मॉर्निंग गाइज, आज देखिए हम टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताने के लिए जा रहे हैं। ऐसा बात नहीं कि यूट्यूब पर ये नहीं है, बहुत सारा है वीडियो, लेकिन जो टीचर से अगर जो बच्चे बहुत तरीका से समझ जाएं तो समझिए उनके लिए वो महान टीचर होते हैं। तो चलिए आज न्यू ट्रिक से हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आज पूरा निचोड़ कर आपको समझा देंगे, आज आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को हम देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें जो पहचानने का रूल होता है, ये देखिए, जिसके जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, तो हो, ता हूँ, ती हूँ, इस तरीका से सेंटेंस आए तो हम समझ जाएंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का उसमें वाक्य है। यहाँ पर देखिए बनाने का जो रूल होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या यस होता है। तो यही स्टूडेंट को पता नहीं है कि यस कहाँ लगता है और यस कहाँ लगता है। तो देखिए हम चार्ट दे दिए हैं, यस जिसके लास्ट में ओ एक्स जेड यस यस एच सी एच आई लास्ट में, तो हम समझ जाएंगे उसमें यस का प्रयोग होगा। एकदम सिंपल सी समझिए, और ये बाकी उससे हटकर जो आएगा उसमें यस का प्रयोग होगा। अब अगर जो नोट रहे तो इसमें डू या डज का प्रयोग होगा, और भर्ब के फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर देख लीजिए ही सी इट नेम के साथ यस या यस लगेगा, और यस यस किसके साथ लगेगा, यस किसके साथ लगेगा हम बताए हैं, और आई यू बी दे ये सब के साथ कुछ नहीं लगेगा। जैसे आप देखिए, और अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस टोटल देखिए बताए हैं। जैसे कि यहाँ मैं खाता हूँ, तो यहाँ मैं खाता हूँ, सबसे पहले मैं का जो हो जाएगा आई, आई हो जाएगा। अब देखेंगे कि आई के साथ क्या बोल रहा है, आई के साथ बोल रहा है यस, ये यस नहीं लगता है, तो डायरेक्ट हो जाएगा आई इट, आई इट हो जाएगा। इस तरीका से मैं खाता हूँ, आई इट डायरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसके साथ यस का प्रयोग काटा गया है। अब यहाँ पर देखिए वह पढ़ता है, तो वह पढ़ता है, वह क्या है, वह है ही। अब ही के साथ क्या लगेगा, ही के साथ देखिए यस या यस का प्रयोग है, लेकिन अब यहाँ पर देख सकते हैं कि रीड होता है आर ई ए डी। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर डी है, तो देखिए चार्ट में डी है, तो डी नहीं है, तो इसमें यस लगा दीजिए, कंप्लीट है। अदब इसी तरीका से समझिए ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए वह जाता है, तो वह जाता है, तो वह का क्या हो गया, वह का हो गया ही, तो ही के साथ क्या लगेगा, ये छोड़िए, सबसे पहले गो, तो यहाँ पर लास्ट में क्या आ गया, ओ आ गया, तो ओ के साथ देखिए क्या है ईएस, तो ईएस इसके साथ लगा दीजिए इस तरीका से। अब यहाँ पर देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक बात आपका क्लियर हो गया, और यस या यस ये भी आपका क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देखिए नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक, इसमें क्या होता है, इसमें नहीं आए तो उसको समझ जाएंगे कि वो नेगेटिव सेंटेंस है। जैसे यहाँ पर ही मैं नहीं खाता हूँ, तो मैं नहीं खाता हूँ, सबसे पहले मैं का हो जाएगा आई, और आई के साथ क्या लगेगा, यहाँ पर देखिए नेगेटिव सेंटेंस रहे तो ही सी इट नेम के साथ डज का प्रयोग करेंगे, और आई यू बी दे के साथ डू का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए आई है, तो आई के साथ क्या लगेगा, तो आई के साथ डू लगेगा इस तरीका से। अब आई के साथ डू लगा तो इसका क्या हो जाएगा, इट हो जाएगा, आई डू इट। यहाँ पर देखिए, सॉरी यहाँ पर नोट का प्रयोग नहीं किए हैं, नोट इट, नोट जो है गिन कर तीसरे नंबर पर लगा देना, ठीक है। यहाँ पर देखिए ही, तो ही के बाद यहाँ पर देखेंगे कि ही के साथ क्या लगा हुआ, डज का प्रयोग लगा हुआ, और गिन के तीसरे नंबर पर क्या लगा देंगे, नोट। नोट का प्रयोग जो है एकदम गिन के तीसरे नंबर पर चिपका दीजिए, सेंटेंस कितना बड़ा रहे एकदम तीसरे नंबर पर नोट चिपका दीजिए। तो तीसरे नंबर पर हम नोट चिपकाएं, और उसके बाद क्या हो जाएगा, रीड हो जाएगा इस तरीका से। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए हम समझाएं आपको कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब, इसको आप बहुत इंपॉर्टेंट है ये बहुत। देखिए मैं किताब पढ़ता हूँ, और तो मैं किताब पढ़ता हूँ, तो इसमें सब्जेक्ट हो गया मैं, ऑब्जेक्ट जो हो गया वो किताब हो गया, और वर्ब जो हो गया वो क्या हो गया, पढ़ता हो गया, पढ़ना। अब यहाँ पर देखिए हिंदी में जो होता है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब इस तरीका से, और जब इंग्लिश में बनाएंगे तो सब्जेक्ट के जगह पर सब्जेक्ट रहेगा, और वर्ब जो है और ऑब्जेक्ट ये दोनों चेंज हो जाएगा, ऑब्जेक्ट के जगह पर वर्ब हो जाएगा, वर्ब के जगह पर ऑब्जेक्ट हो जाएगा, इस तरीका से हम करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं हिंदी में ऐसे और इंग्लिश में ऐसे। अब यहाँ पर चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यहाँ पर देखें
अफर्मेटिव सेंटेंस जो मैं खाता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, ये अफर्मेटिव हो गया। और नेगेटिव सेंटेंस जिसमें नहीं आता है, मैं नहीं खाता हूँ, मैं नहीं नाचता हूँ, इस तरीका से, तो ये समझ जाएंगे नेगेटिव है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया प्रश्नवाचक की चिन्ह, जिसमें प्रश्नवाचक के चिन्ह आवे, क्या, कब, कैसे, क्यों, ये सब आए। यहाँ पर देखें, क्या मैं किताब पढ़ता हूँ, तो सबसे पहले मैं, तो मैं का हो जाएगा आई, और ये क्या है, तो इसके आगे डू लगेगा कि डज लगेगा, तो आई के साथ क्या लगेगा, डू लगेगा। तो मैं किताब पढ़ता हूँ, तो डू आई रीड ए बुक, ए बुक कर दो, या बुक ओनली बुक कर दो, इस तरीका से। अब यहाँ पर देखते हैं, ये तो कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे इस तरीका से, यहाँ पर देखेंगे कि क्या सीता और गीता पढ़ती है, तो यहाँ पर देखेंगे कि क्या सीता और गीता पढ़ती है, तो समझ जाएंगे कि सीता एक क्या है, नाम है, तो नाम के साथ क्या लगेगा, डज लगेगा, लेकिन गलत है, डज नहीं लगेगा, क्योंकि एक से ज़्यादा नाम है। यहाँ पर देखिए सीता है और गीता है, ये सिंगुलर नंबर है, समझ गए ना, ये एक वचन है, ये बहुवचन है, तो यहाँ एक आदमी जब रहेगा तो यहाँ पर ना काम होगा जी, अब बहुत सारा आदमी होगा तो यहाँ पर देखिए दो आदमी है, अब अगर एक नाम रहता तो यहाँ डज लगाते, अगर दो नाम है तो यहाँ पर डू लगाते, दो वस्तु है तो वहाँ पर डू लगाएंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, डू लगाएंगे, और डू लगाने के बाद इस तरीका से अब यहाँ पर कर देंगे, डू सीता एंड गीता रीड, इस तरीका से हम बनाएंगे, इस तरीका से, समझ रहे हैं, देखें इस तरीका से हम बनाए हैं। तो कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस आए तो इस तरीका से बना लीजिएगा, और कोई भी अगर इसमें प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। अच्छे टीचर वही होते हैं जिनसे बच्चा अच्छी तरीका से समझ जाए। तो आप जो है यहाँ पर देख लीजिए, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब, इसको भी क्लियर कर लीजिए, और इसी तरीका से अगर अच्छा लगे तो एक कमेंट करिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो हम अपलोड करेंगे। अगर अच्छा लगा तो ज़रूर कमेंट करिएगा, और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू।